मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग के भी हमारा वो दिखाता हूँ, कभी 4:41 हो चुका है। मेसी के साथ तो आज से कुछ नया प्लान है, कुछ नया कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ। लगे रही है अक्सर ना हम छोटी छोटी चीज़ों को ना काफ़ी नज़रअंदाज कर देते हैं। उसमें से एक हमारा रूटीन है। रूटीन में क्या है ना कि जब आदमी सो रहा है, जब चाहे जग रहा है, हम सोचते हैं क्या ही फ़र्क पड़ता ही है, हमारी जो चीज़ है। लेकिन इससे क्या होता है, हमारे ऐसे रवैये से ना हमारा जो आसपास का माहौल होता है, हमारे दोस्त होते हैं, फैमिलीज होते हैं, उनसे हम दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। और रात में भी जो नींद है वो कहाँ, मतलब तुम नहीं आती तो मतलब नेगेटिविटी, एक काफ़ी सारी चिंताएँ, एक एनजाइटी सब दिमाग में घूमना शुरू कर देता है। और तो वैसे ही बदनाम हो जाते हैं कि दिन में सोता है, और दिन में सो क्या आदमी सोता है, वो किस्तों की जो नींद होती है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई जा रहा है। कहना हमारे पास हमेशा शिकायतें बहुत होती हैं कि यार मेरे पास ये है, मेरे पास वो नहीं है, उसके पास वो है तो वो चीज़ें कर लेता है। असल बात ये ना कि हम इस बात पर कभी ध्यान ही नहीं देते हैं कि अगर हमने सही में 100% अपना दिया है, जो हम जिस चीज़ को हम पाना चाहते हैं उसमें, क्या हमने सही में 100% दिया है। काफ़ी लोग कहेंगे कि हाँ भाई मैंने दिया है 100%, लेकिन मुझे चीज़ मिली नहीं। लेकिन फिर भी मेरा एक सवाल आपसे, एक सवाल है कि शायद आपको लगता हो आपने 100% दिया है, लेकिन क्या पता कोई 0.001% समझ लिए, कुछ ऐसा हो कि आपने मिस कर दिया हो। आप 100% पर पहुँचने वाले थे, आपने 90.99% आपने कर लिया, बट वो जो 1.01% के पास जो 0.01% आया ना, शायद वो आपने मिस कर दिया हो, तो शायद इसलिए आपको वो चीज़ मिली ना हो। देखिए 0.001% छोड़िए, मैं तो 40% करके थक जाता हूँ। मुझे मालूम है मेरा काम बाकी है, फिर भी मैं थक जाता हूँ। दिल दिमाग कहता है भाई बस बहुत हो गया, अब रहने दे, अब तेरे बस की नहीं है। लेकिन आज मैं वादा कर रहा हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब मैं अपना 100% नहीं 101% दूंगा। चाहे कुछ भी चुनौती आ जाए, चाहे कुछ भी नया शेड्यूल आ जाए, चाहे कुछ भी नया काम हो, मतलब जो मेरा काम है अपना काम मैं कंप्लीट करके रहूँगा। और मेरा आपसे ये वादा है, कुछ ना कुछ नई चीज़ें, नए कंटेंट लेके आऊँगा आपके सामने, जो आपको सिर्फ एंटरटेन नहीं करेंगे, आपको एजुकेशन और इंस्पिरेशन भी देंगे। मतलब मैं कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट करूँगा जो आपको अच्छा लगेगा। तो फिर मैं जल्द से जल्द एक नया अच्छा सा कंटेंट बना के लेकर आता हूँ, जो आपको काफ़ी पसंद आएगा। मैं एक अच्छा सा टॉपिक देख के नया कंटेंट लेकर आता हूँ, और मुझे पूरा उम्मीद है आपको उसे देख के आपको बहुत पसंद आएगा। तो जल्द मेरे साथ बने रहिए, और जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।